इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने विलगित गोलीय चालक की धारिता ज्ञात की थी, तो उससे संबंधित कुछ एक उदाहरण कर लेते हैं। तो उदाहरण है, पृथ्वी को एक गोलाकार चालक मानते हुए इसकी धारिता की गणना कीजिए। तो हमने जो टॉपिक किया था वो विलगित गोलीय चालक के लिए किया था, तो पृथ्वी के एक विलगित गोलीय चालक की तरह ही है, इसकी धारिता ज्ञात करनी है। तो सर्वप्रथम तो हमें गोलीय चालक की धारिता का सूत्र पता होना चाहिए। गोलीय चालक की धारिता का सूत्र है C बराबर 4πε₀r। R है गोलीय चालक की त्रिज्या। तो अभी हमें गोलीय चालक के स्थान पर पृथ्वी दी हुई है, तो पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर होती है। तो पृथ्वी की त्रिज्या आर जो है वो हमें 6400 किलोमीटर में दी हुई है। तो सर्वप्रथम हम इसे मीटर में बदलेंगे, कि मीटर ही एसआई पत्ती का मात्रक है, गुणा 10^3 मीटर, और धारिता ज्ञात करते हैं। पृथ्वी की धारिता C इक्वल्स टू 4πε₀, 1/4πε₀ की वैल्यू आपको याद होगी, 1/4πε₀ की वैल्यू 9×10^9 होती है। तो 4πε₀ की वैल्यू 1/9×10^9 हो जाएगी। तो R ऊपर रह जाएगा कितना, 6400 किलोमीटर है, इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, और 4πε₀ की वैल्यू 1/9×10^9 हो जाएगी। इसको हल कर लेते हैं, ये हो जाएगा 6400/9 और गुणा में हो जाएगा 10^10, ऊपर जाएगा तो -9, 3 घटा देंगे तो -6। अब भाग लगा लेते हैं, तो ये जाएगा 7×9 = 63, 1 बच गया, भाग जा नहीं रहा, 0 1 पर जाएगा, तो फिर 1 बच गया, 0 1 पर फिर जाएगा, और गुणा में 10^-6 और इक्वल्स टू में हम इसे लिख सकते हैं 711। 10^-6 का मतलब माइक्रो फैरड, फैरड धारिता का मात्रक है। तो ये होगी पृथ्वी की धारिता 711 माइक्रोफेरड, इतनी बड़ी पृथ्वी और धारिता 711 माइक्रोफेरड। इसका मतलब ये हुआ कि आकार बढ़ाने से धारिता, देखिए आज बता रहे हैं अपने आकार के बारे में, आकार मतलब त्रिज्या बढ़ेगी अर्थात आकार बढ़ेगा, आकार बढ़ाने से धारिता बढ़ती तो है लेकिन ज्यादा प्रभावी नहीं बढ़ पाती है। इसका मतलब हमें धारिता को बढ़ाने के अदर उपायों पर भी विचार करना पड़ेगा, जैसा कि आगे के टॉपिक में हम ये करेंगे। अभी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, एक फैरड धारिता के गोलीय चालक की त्रिज्या कितनी होगी हमसे पूछा गया है। हमें दिया गया गोलीय चालक, तो गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता का सूत्र क्या होता है, उम्मीद है अब तक आपको ये अच्छी तरह याद हो चुका है। गोलीय चालक की धारिता का सूत्र ये होता है, और हम लोगों से एक फैरड धारिता के लिए त्रिज्या पूछी गई है। तो दिया क्या गया है, हमें प्रश्न में दिया गया है धारिता C बराबर 1 फैरड और हमें R त्रिज्या पूछी गई है। तो हल करेंगे, सूत्र मैंने ऊपर लिख दिया है, हम जानते हैं कि C बराबर तो 4πε₀r होता है, तो C की वैल्यू 1 और 4πε₀ की वैल्यू
हम लोगों ने पीछे वाले क्वेश्चन में लिखी थी 9 गुणा 10 की पावर 9, तो आर वन क्या निकल के आता है 9 गुणा 10 की पावर 9 मीटर। इतनी त्रिज्या होगी 9 गुणा 10 की पावर 9 मीटर, बहुत बड़ी वैल्यू है 10 की पावर 9 मीटर। देखिए पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है वो होती है 6400 किलोमीटर। इसका मतलब ये हुआ ये होती है 6400 गुणा 10 की पावर 3 मीटर। पावर को इसके समतुल्य है, पावर इसकी बढ़ाते हैं, इधर से दो अंक ये दो जीरो हटाएंगे तो पावर हो जाएगी 5, पॉइंट को यहां ले आए 6.4 ले आए तो पावर हो जाएगी 5 से 6 मीटर। तो आप देख सकते हैं कि पृथ्वी की त्रिज्या 10 की पावर 6 मीटर कोटि में है। फिर एक फेरेड धारिता का अगर गोला चाहिए आपको कोई, तो उसकी त्रिज्या है 10 की पावर 9 मीटर, पृथ्वी से कई गुना अधिक बड़ा, लगभग 1400 गुना बड़ा आपको गोला चाहिए। तो इस प्रश्न के अंदर आगे इस उदाहरण में आगे पूछा गया है क्या आप इसे अलमारी में रख सकते हैं, तो आपको उत्तर मिल गया होगा नहीं। अर्थात एक फेरेड धारिता बहुत बड़ा मात्रक है, ये बहुत बड़ी बहुत बड़े गोले की धारिता है, पृथ्वी से भी 1400 गुना अधिक बड़ा गोला है उसकी धारिता है, ये बड़ा मात्रक हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोलीय चालक की धारिता 2 पिको फेरेड है और किसी माध्यम में रख देने पर धारिता 12 पिको फेरेड हो जाती है। जिस माध्यम में रखा है उस माध्यम का परावर्तितांक बताइए कितना होगा। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, हम लोग ऐसे हल करते हैं तो सर्वप्रथम दिया क्या है वो लिखते हैं। तो दिया हुआ क्या है, हमें दिया गया है धारिता कितनी 2 पिको फेरेड और माध्यम की उपस्थिति में धारिता दी गई है कितनी 12 पिको फेरेड, मतलब मीडियम माध्यम की उपस्थिति में। और पूछा गया हम लोगों से परावर्तितांक एप्सिलॉन आर की वैल्यू हम लोगों से पूछी गई है, तो हल करते हैं। हम जानते हैं क्या जानते हैं कि गोलीय चालक की धारिता, मैं लिख देता हूं गोलीय चालक की धारिता C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होती है और यदि माध्यम है, समीकरण एक दे देते हैं इसे, यदि माध्यम है तो माध्यम में गोलीय चालक की धारिता Cm इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर गुणा में आर होती है। समीकरण नंबर ये हो गई 2। तो हमें इन दोनों की वैल्यू दी हुई है, इन दोनों का हमने समीकरण बना लिया है और एप्सिलॉन आर हमें ज्ञात करना है, आर हमें दिया नहीं है तो कुछ ऐसा किया जाए कि आर कट जाए। तो बिल्कुल सिंपल था, आप समीकरण 2 में 1 का भाग लगा दीजिए तो 4 पाई एप्सिलॉन आर कट जाएगा, जो दिया नहीं है उसकी जरूरत भी नहीं रहेगी। समीकरण 2 में 1 का भाग लगाने पर Cm अपॉन C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर गुणा में आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा में आर, तो कट रहे हैं सभी के सभी, तो Cm इक्वल्स टू बन रहा है C गुणा में एप्सिलॉन आर, तो हमें तो एप्सिलॉन आर का वैल्यू चाहिए तो Cm बटा में C। ये सूत्र भी हमने पीछे के लेक्चर में डिस्कस किया था, अब डायरेक्ट सूत्र भी यूज कर सकते हैं। तो एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू बनेगा 12 बटा में 2, तो ये बन गया 6। तो परावर्तितांक एक मात्रक हीन राशि है तो हम लिखेंगे परावर्तितांक का मान कितना होगा 6, मात्रक हीन राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन
दो भिन्न भिन्न त्रिज्या के गोलीय चालकों के को एक समान आवेश से आवेशित किया गया, मतलब दो हमारे पास चालक हैं जिनकी त्रिज्याएं अलग अलग है और उन्हें आवेशित किया गया एक समान आवेश से। इसका मतलब जो दो चालक आपको दिए गए हैं उन दोनों पर आवेश क्या है, समान है, क्यू और क्यू। त्रिज्याएं भिन्न भिन्न है, एक की त्रिज्या आर टू मान लेते हैं और पहले की त्रिज्या हम लोग आर वन मान लेते हैं, ये हमें दिया हुआ। अभी कह रहा है कि इनके पृष्ठों पर विभव का अनुपात, कहने का मतलब वी वन विभव इस पर है और वी टू विभव इस पर है, तो हमें अनुपात दिया हुआ है, अर्थात हमें दिया गया है वी वन बटा में वी टू इक्वल्स टू वन बाय टू समीकरण एक। तो प्रश्न करने के लिए जरूरी होता है कि जो दिया गया है उसे लिख लिया जाए, तो धारिताओं का अनुपात याद कीजिए, जो दिया गया है और जो पूछा गया है उसके बीच का रिलेशन याद कीजिए। तो आपने पीछे पढ़ा है, क्या पढ़ा है, हम जानते हैं, हमने पढ़ा है कि C बराबर Q अपॉन V होता है। देखिए हमें V के रूप में कुछ दिया हुआ है और C के रूप में कुछ पूछा गया है, तो उनका रिलेशन यही है अब तक पढ़ा हुआ। तो इसको आप अप्लाई कीजिए प्रथम गोले के लिए, प्रथम चालक के लिए गोलीय चालक दिया हुआ है, प्रथम गोलीय चालक पर अप्लाई कीजिए इसे। वैसे ये सूत्र प्रत्येक प्रकार के चालक पर अप्लाई किया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि गोलीय ही हो। तो इस पर आवेश क्यू है और विभव कितना है, वी वन, धारिता इसकी मान लेते हैं सी वन, समीकरण एक बढ़ गई। और इसी प्रकार से आप दूसरे चालक के लिए अप्लाई कीजिए, तो क्यू अपॉन वी टू, समीकरण नंबर दो बढ़ गई। प्रश्न में पूछा गया है धारिताओं का अनुपात C1 बटा में C2, तो C1 बटा में C2, तो क्या करना पड़ेगा, समीकरण एक में समीकरण दो का भाग देना होगा हमें, तो C1 बटा में C2 बराबर Q अपॉन V1 गुणा में V2 बटा में Q, तो ये बनता है C1 बटा में C2 इक्वल्स टू V2 बटा V1, तो बराबर क्या बनेगा, V1 बटा V2 तो एक बटा दो है, लेकिन V2 बटा V1 क्या बन जाएगा, दो बटा एक, तो ये हो गया दो बटा में एक। अर्थात अनुपात क्या निकल के आता है, अर्थात अनुपात जो धारिताओं का है C1 और C2 का अनुपात है वो निकल के आता है दो अनुपात एक। विभव का अनुपात क्या दिया हुआ हमें, एक अनुपात दो, और धारिताओं का अनुपात क्या आता है, दो अनुपात एक।